हेलो दोस्तों, आज मैं बनाने वाली हूँ भथुआ का पराठा। चलिए तो मैं शुरू करते हैं इसको बनाने के लिए। सबसे पहले एक मूठा हम भथुआ का साग लिए हैं और इसे हम अच्छी तरह से साफ कर लिए, और जो आगे का हम पत्ते ले रखे जो सॉफ्ट सॉफ्ट आगे का हिस्सा हो, देखिए इस तरह। अब मैं इसे अब इस साग को हम कट कर लेते हैं, रफली काट लेनी है इसको, देखिए इस तरह काटनी है। ये सारे साग को हम अब हम गर्म पानी में इसे हम डाल देंगे और थोड़ा देर इसको हम पकाएंगे, कम से कम 5-6 मिनट के लिए पकने दे, ज़्यादा गलाना भी नहीं है हमको इसको। देखिए पक गई मेरी साग। अब इसे हम निकाल लेंगे एक बाउल में। अब इसे एक बॉल में निकाल लेंगे, इसे हम ठंडा होने देते हैं। तब तक के लिए हम एक आटा ले रखी हूँ मैं। अब आटे में हम एक बारीक कटा हुआ एक प्याज डालेंगे और अदरक एक छोटी चम्मच, हरी मिर्च डालेंगे बारीक कटी हुई दो, बारीक कटी हुई धनिया पत्ती और अजवाइन, स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा सा धनिया पाउडर छोटा चम्मच और लाल मिर्च पाउडर और हल्का सा जीरा पाउडर और साबुत जीरा। आज जो मैं साग को पका रखी थी ठंडा हो चुकी है, अब चलिए इसमें हम डाल देते हैं। हल्का हल्का थोड़ा सा गर्म है इसलिए हम पहले सबसे पहले हम इसको चम्मच से मिक्स करेंगे। ये अच्छी तरह से मिक्स कर देनी, सारे मसाले नमक वगैरह मिक्स हो जाए। अब थोड़ा सा हम एक छोटा चम्मच तेल डालेंगे इसमें, जिससे मेरा पराठा सॉफ्ट बने। अब थोड़ा पानी डाल के इसे हम गूथेंगे, एकदम मुलायम आटा ऐसे गूथ लेना है। देखिए इस तरह गूथनी है आटे को, पूरा मुलायम होने तक आटे को गूथ देनी है। चलिए गूथ गई मेरी आटे। अब मैं इसको छोटे अब लोए बना लेंगे, दो लोए इस तरह बना लेंगे गोल गोल। और इसे हम अब चलिए बेलते हैं इसे। धीरे धीरे बेले जिससे रोटी टूटे ना। ये सर्दियों में बहुत अच्छी लगती है भथुआ के पराठे खाने में। देखिए बन बेल गई रोटी। अब तावा हम चढ़ाए, इसको हम गर्म होने दिए थे पहले से, और देखिए इस पर डाल दिए हम। अब इसको हम थोड़ा कम आंच में इसको पराठे को सेकेंगे। देखिए दोनों साइड इसे पलट को सेकना है। अब इसमें हम घी लगाएंगे, अगर आपको पास घी ना हो तब तेल भी लगा सकते हैं, रिफाइन वगैरह जो भी हो आपके पास वो भी लगा सकते हैं। दोनों साइड से इस तरह सेक लेनी है अच्छी तरह से। देखिए कलर भी आ गई इसकी, इसमें ये पक गई। अगर हम निकाल लेते, देखिए तैयार हो गए मेरे भथुआ के पराठे। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। बाय बाय।